क्या आपको पता है कि टाटा की जो एस मॉडल ट्रक हुआ करती थी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आजकल बंद कर दी गई है, और इस ट्रक को आजकल लोग रेती लाने और ले जाने के लिए बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी आपने गौर किया है कि जो टाटा की एस मॉडल ट्रक होती है उसके बोनट के साइड में आपको दो गाड़ियां दिखाई देगी। इसका रीजन क्यों होता है, कंपनी ये दो गाड़ियों को आखिर देती क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है और ड्राइवर गाड़ी चलाते टाइम के अंदर उसको साइड का जो डिस्टेंस है गाड़ी का, वो चलाते टाइम में और गाड़ी को टर्न करते टाइम में, मोड़ते टाइम में, दूसरी गाड़ी से हाईवे के ऊपर रोड के ऊपर साइड लेते टाइम में गाड़ी का जो साइड का डिस्टेंस है वो आसानी से समझ आ सके, इसलिए कंपनी जो है ये दो गाड़ियों को देती थी। कि कंपनी का रीजन ये था इसलिए देने के लिए कि ड्राइवर कहीं आगे से गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को ठोक ना दे, एक्सीडेंट ना कर दे, क्योंकि इस मॉडल जो ट्रक होती है उसका इंजन और उसका रेडिएटर वगैरह जो है वो सब आगे दिया जाता है, इसलिए कंपनी ये दो गाड़ियों को साइड में देती थी और उसे मार्क पोल कहते हैं। फैक्ट नंबर 12, हमारे इंडिया के अंदर सभी घरों के अंदर लगभग इस हेयर ऑयल का यूज किया जाता है, यानी कि पैराशूट की जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर जो हेयर ऑयल होता है इसका इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर सारे घरों के अंदर। और क्या कभी आपने गौर किया है कि इस बॉटल को आप जरा गौर से देखो और इस बॉटल के ऊपर जो फ्रंट एरिया है या फिर बैक साइड है, इसके ऊपर कहीं भी आपको हेयर ऑयल लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका रीजन ये है कि कंपनी इस बॉटल के ऊपर जो लगने वाला 15-20% का जो टैक्स होता है वो कंपनी बचाती है, और कंपनी ये दावा करती है कि आप इसे खा भी सकते हैं और इसे पी भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी इसे जो है वो खाने के तेलों के अंदर, यानी कि एडिजिबल ऑयल जो होता है उसके अंदर लिस्ट कराती है। तो कमाल की बात यह है कि जनाब हम इस बॉटल को यूज करते हैं और इस बॉटल के ऊपर कहीं भी हेयर ऑयल लिखा हुआ नहीं होता है। जी हाँ, इसके ऊपर कोकोनट ऑयल लिखा होता है खोपरे का तेल, पर हेयर ऑयल कहीं भी आपको इस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 11, ओला की टैक्सी के बारे में तो सबको पता है और ओला की टैक्सी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया के बहुत बड़े शहरों के अंदर, पर मैं आपको ये बताऊं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ओला की जो कंपनी है कितनी बड़ी है। ओला ने अपने पास में इतनी गाड़ियों को, कारों को लोगों से हायर करके रखा है कि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जितना बड़ा रास्ता है उस रास्ते के ऊपर ओला के पास जितनी कारें हैं वो एक पीछे एक लगाई जाए लाइन के अंदर, फिर भी ओला के पास में गाड़ियां कार जो है वो खत्म नहीं होगी, यानी कि 3880 किलोमीटर से भी ज्यादा लाइन लग सकती है कारों की, इतनी कारें ओला ने हायर करके रखा है। और ये नहीं बल्कि ओला इंडिया की टैक्सी ब्रांड के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है। फैक्ट नंबर 10, इस फोटो को जरा गौर से देखिएगा, आप ये समझ रहे होंगे कि इस फोटो के अंदर जमीन के ऊपर स्नोफॉल हुआ है, यानी आसमान से बर्फ गिरी है, पर हकीकत में ये कोई बर्फ नहीं है, ये मकड़ियों का बुना हुआ जाला है। यह सितंबर के महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके के अंदर जमीन से बहुत ज्यादा तादाद में मकड़ियां निकलती है और महीने भर के लिए इस इलाके के अंदर बहुत ज्यादा जाला बुन देती है, और बुनने के बाद भी ये जाले की जो लंबाई है वो कहीं किलोमीटर तक होती है, जंगलों के ऊपर, झाड़ों के ऊपर, घरों की दीवारों तक मकड़ियां जो है वो जाला बुन देती है। तो ये कोई स्नोफॉल नहीं है, ये बहुत ज्यादा मकड़ियों का बुना हुआ एक जाला है जो कहीं किलोमीटर तक कर जमीन पर बिछा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 9, हमारे इंडिया का जो 1 रुपए का कॉइन होता है तो इस कॉइन को बनाने के लिए जो खर्च लगता है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट लगती है, तो आप ये समझते होंगे कि 1 रुपए से वो कम लगती है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। इंडिया का जो 1 रुपए का कॉइन है उसे बनाने के लिए जो खर्च आता है वो 1 रुपए 11 पैसे होता है। वैसे ही जो 2 रुपए का कॉइन होता है उसको बनाने के लिए जो खर्च लगता है वो 1 रुपए 28 पैसे होता है। वैसे ही 5 रुपए का जो कॉइन होता है उसको बनाने के लिए 3 रुपए 71 पैसे का खर्च आता है, और 10 रुपए का जो कॉइन होता है उसे बनाने के लिए जो खर्च लगता है वो 5 रुपए 54 पैसे होता है। तो 1 रुपए का जो कॉइन होता है वो वाहिद कॉइन है इंडिया के अंदर जिसको बनाने के लिए 1 रुपए से ज्यादा खर्च आता है, यानी कि 1 रुपए 11 पैसे का खर्च लगता है। फैक्ट नंबर 8, रिलीजन के हिसाब से मरने वाले इंसान की जो डेड बॉडी होती है, एक तो उसे जलाया जाता है या फिर उसे जमीन के अंदर दफनाया जाता है, बट इंडोनेशिया के ताना तोरोजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गांव आते हैं उन गांव के अंदर मरने वाले इंसान की जो डेड बॉडी होती है ना ही उसे दफनाया जाता है जमीन के अंदर, ना ही उसे जलाया जाता है। इस गांव के रहने वाले जो लोग हैं वो डेड बॉडी को अपने घरों के अंदर ही कहीं सालों तक कर संभाल के रखते हैं, और डेड बॉडी जो होती है, जो मर गया इंसान होता है, उसका जब जन्मदिन होता
होता है तो उस जन्मदिन के ऊपर वही डेड बॉडी को निकाल कर उसे नए कपड़े वगैरह पहना कर और करीबी जो रिश्तेदार होते हैं उनके, तो वो मिलने आते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जाता है। इसकी वजह यह है कि घरों के अंदर मरने वाले इंसान की जो डेड बॉडी होती है वो इस गांव के लोग इसलिए संभाल के रखते हैं कि इस गांव के लोगों का ये कहना है कि मरने के बाद में अंतिम संस्कार के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो हमारे पास में नहीं होते हैं। यानी कि इस गांव के लोगों का कहना ये है कि इस गांव के अंदर मरने वाले इंसान का जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो इतना बड़ा होता है कि इस गांव के अंदर कहीं भैंसों का बलि चढ़ाई जाती है और कहीं सुअरों की बलि चढ़ाई जाती है, और ये जो प्रोग्राम होता है मरने के बाद में जो अंतिम संस्कार का जो प्रोग्राम होता है वो 12 दिन तक के चलता है और कहीं लोग इसमें शामिल होते हैं और पैसों की बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर रकम की जरूरत होती है और हमारे पास में ये पैसे जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जमा नहीं हो पाते हैं, और जब तक के अंतिम संस्कार के पैसे जमा नहीं होते हमारे पास में, जब तक के हम इन डेड बॉडी को, मरने वाले इंसान की जो बॉडी होती है उसे घरों के अंदर संभाल कर रखते हैं कई सालों तक के, तो यार इंडोनेशिया के अंदर भी ये गांव के लोग मुझे अजीब गरीब रसूमात निभाते हैं, तो यार दुनिया में क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, देखो आप जब किसी से बात करते हैं और बात करते टाइम में वो आपकी बात को सुनता नहीं है तो आपको ऐसे कहना चाहिए, देखो मेरे को आपको बताना तो नहीं चाहिए पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, और आपको उसका नाम लेकर आप उससे बात कीजिए तो वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट होगा, इतना मुतवज्जे होगा आपके तरफ कि सब काम छोड़ के पहले आपकी बात सुनेगा। तो आप बात करते टाइम फॉर्मूला यूज कीजिए तो सामने वाला हर कोई आपकी बात को जो है बड़े गौर से सुनेगा। फैक्ट नंबर 6, देखो आपने मिस्र के अंदर बड़े बड़े पैरामिड्स तो देखे होंगे और इस पैरामिड्स की जो हाइट है वो 480 फीट है, यानी कि 480 फीट बहुत ज्यादा होती है, और इस पैरामिड को बनाने के लिए जो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो 25,000 पत्थरों का लगभग एक एज अ एवरेज के हिसाब से इसको बनाने के लिए यूज किया गया है, और एक पत्थर का वजन जो है वो जनाब 2.5 टन है, और इस 2.5 टन के पत्थर को बाकायदे से चौकुन तरीके से स्क्वायर के अंदर काट कर 480 फीट की ऊंचाई के ऊपर ले जाकर बाकायदे से फिट किया गया है। तो ये कैसे किया गया वहां के उस जमाने के अंदर, 45 सदियों पहले ना कोई मशीन था ना कोई हेलीकॉप्टर था कि बाकायदे से किसी मशीन के जरिए से ले जाकर उसे 480 फीट की ऊंचाई के ऊपर फिक्स किया जा सके। तो ये एक राज की राज ही है, एक मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को, इस राज को आज तक कर कोई पर्दाफाश नहीं कर पाया है कि 45 सदियों पहले इस बड़े से पिरामिड्स को आखिर कैसे बनाया गया होगा। फैक्ट नंबर 5, हमारे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं जब वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो उन्हें तो इंग्लिश बोलना नहीं आती है, पर पब्लिक के सामने बड़ी स्टेज के ऊपर वो फराटेदार इंग्लिश किस तरीके से बोलते हैं आप देखकर हैरान हो जाते हो। आपने क्या पर कभी सोचा है या कभी गौर किया है कि यार वो फराटेदार इंग्लिश कैसी क्या बोल लेते हैं जबकि उनको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता? तो इसके पीछे का रीजन जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो जब स्टेज के ऊपर पॉलिटिक्स मैन खड़े होता है, जब स्पीच देने वाला आदमी जब खड़े होता है तो सामने तो भरी पब्लिक का मजमा होता है और पब्लिक जो है वो सिर्फ आदमी को देख रही होती है, और जो स्पीच देने वाला बंदा होता है उसे अगर स्पीच याद ना हो या उसे इंग्लिश बोलना ना है तो सामने लगा होता है टेली प्रमोटर। आप ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये टेली प्रमोटर जो है ट्रांसपेरेंट होता है एक साइड से, यानी कि सामने वाली पब्लिक को सिर्फ एक थोड़ा सा प्लास्टिक का या कांच का ट्रांसपेरेंट एक टुकड़ा दिखाई देगा, पर जब स्पीच देने वाला जो आदमी होता है उसको इसके अंदर चलती हुई लाइन दिखाई देती है जिसको देख कर वो स्पीच देता है। तो ये बड़े बड़े पॉलिटिक्स जो लोग होते हैं वो टेली प्रमोटर का यूज करते हैं, न्यूज वाले भी टेली प्रमोटर का यूज करते हैं और फराटेदार स्पीच या इंग्लिश बोलते हैं। फैक्ट नंबर 4, बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो दुबई के अंदर है, और इस बिल्डिंग को, बुर्ज खलीफा को आप 90 किलोमीटर दूर से भी बआसानी से देख सकते हैं, और ये नहीं बल्कि आप बुर्ज खलीफा के टॉप में खड़े रहकर करीबी मुल्क ईरान को भी वहां से देख सकते हैं, इतनी हाइटेड है बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग। पर क्या कभी आपने गौर किया है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर जो रात के अंदर पूरी बिल्डिंग के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, तो इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर आप खुद की एडवर्टाइजमेंट शो कराना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट को दिखाना चाहते हो, तो आपको कितने पैसे पेड करना पड़ेगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको 3 मिनट के लिए इजाजत दी जाती है कि आप 3 मिनट के लिए बुर्ज खलीफा के ऊपर अपनी खुद की एड दिखा सकते हो, शो करा सकते हो, बट उसके लिए आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए पेड करना होगा।
और आपकी जो एड दिखेंगी वो रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में कभी भी दिख सकती है। तो यार ये दुनिया की बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग तो है, पर उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आप दिखा सकते हैं, उसका खर्च जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है सिर्फ 3 मिनट के। फैक्ट नंबर 3, एप्पल कंपनी के कोफाउंडर स्टीव जॉब जो है वो 2009 के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी है, पर क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि स्टीव जॉब की जो कार होती थी हमेशा मर्सिडीज कंपनी की, तो उस कार के ऊपर कभी भी कोई नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है। लोग दरअसल ये समझते थे कि स्टीव जॉब जो है वो यूएस के आरटीओ वालों को बहुत बड़ी रकम पेड करते हैं बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने के लिए, पर दरअसल हकीकत ये नहीं है कि यूएस के अंदर आरटीओ का एक रूल है, आप जब भी नई गाड़ी परचेस करते हो और 6 महीने के अंदर अगर उस गाड़ी के ऊपर आप नंबर प्लेट नहीं लगाते हो तो चलता है। और स्टीव जॉब हमेशा यही किया करते थे कि जो भी गाड़ी वो परचेस करते थे हमेशा तो उन्होंने मर्सिडीज की गाड़ी ही परचेस खरीदी है, तो जो कार वो परचेस करते थे उस कार को वो 6 महीने के लिए इस्तेमाल करते थे और 6 महीने के इस्तेमाल करने के बाद में फिर एक नई ब्रांड की कार खरीदते थे और 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें कोई भी नंबर प्लेट उनकी कार के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दरअसल वो इसलिए ऐसा करते थे कि उसके पीछे उनकी सिक्योरिटी का रीजन था, इसलिए वो कार हमेशा नई 6 महीने के अंदर परचेस करके उसे इस्तेमाल करते थे और उन नंबर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फैक्ट नंबर 2, आपने गाड़ी में सफर करते टाइम के अंदर कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि जो गाड़ी है वो टनल में से गुजरती है, यानी कि पहाड़ होता है और पहाड़ के अंदर से खोद कर रास्ता बनाया जाता है, उसे टनल कहते हैं। पर क्या कभी आपने समंदर के अंदर से टनल देखा है? जी हां, चाइना के अंदर इस टनल को बनाया गया है और इस टनल की खास बात यह है कि इस टनल को समंदर के अंदर से बनाया गया है, यानी कि इस पार से उस पार जाने के लिए जो गुफा बनाई गई है वो समंदर के अंदर से है। और ये जो गुफा है, ये जो समंदर के अंदर टनल बनाया गया है, इसकी जो लंबाई है 10 किलोमीटर की है। इसे 2018 के अंदर बनाया गया था और इस टनल का नाम है ताई हू, जो चाइना के अंदर एक यूनिक टनल है। तो चाइना जो है मुझे प्रोडक्ट्स के अलावा ऐसी यूनिक चीजें भी बनाता है। फैक्ट नंबर 1, हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो महीने भर ड्राइविंग करने के बाद में उनकी जो सैलरी बनती है वो 20,000 से 25,000 रुपए बनती है, और कहीं ड्राइवर तो उसमें चोरी चपाटी भी करते हैं, क्योंकि डीजल विजल बेच कर वो पैसे उसमें से कमा लेते हैं, क्योंकि उनको जो सैलरी होती है ट्रक की महीने भर की वो उतनी पुर नहीं पाती है। पर जो इंडिया से ट्रक चलाने के लिए कैनेडा जाते हैं वो एक महीने के अंदर उनकी जो सैलरी होती है वो 9 लाख रुपए तक कमाते हैं। इसका रीजन ये है कि जो कैनेडा की जो गवर्नमेंट है वो ट्रक ड्राइवर को पर घंटे के हिसाब से पैसे देती है। अगर आपका खुद का ट्रक नहीं है तो आपको $20 पर घंटे के हिसाब से आपको मिलते हैं, और अगर आपके पास में खुद का ट्रक है तो आप $40 पर घंटे के हिसाब से आप कमा सकते हैं। और एक कानून ये भी है कनाडा के अंदर कि आप 10 घंटे के ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि 10 घंटे गाड़ी चलाने के बाद में इंसान की हालत जो है वो बहुत थक जाती है, और कनाडा के अंदर इसके वजह से एक्सीडेंट वगैरह ना हो रोड के ऊपर, तो इसी वजह से कनाडा की गवर्नमेंट 10 घंटे के ऊपर किसी ड्राइवर को इजाजत नहीं देती है कि आप ड्राइविंग करो। एक महीने की जो सैलरी होती है कनाडा के अंदर गाड़ी चलाने के लिए ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो चलाने के लिए, वो 9 लाख रुपए पर मंथ तक के कमाता है एक इंसान, और इंडिया के अंदर बेचारे जो ड्राइवर होते हैं वो 20,000 से 25,000 रुपए महीना ही कमा पाते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को ठोको लाइक और चैनल को जनाब करो सब्सक्राइब, और जनाब मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका जनाब तहे दिल से जज़ाकअल्लाह खैर।